हेलो दोस्तों, माय नेम इज रवि मीणा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन सी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बनाए रहना। अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर 1 एस्कार्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 रेटिनोल, ऑप्शन नंबर 3 कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन नंबर 3 थायमिन। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों, एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल की बात की जाए दोस्तों, तो जो रेटिनॉल होता है ये हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कैल्सिफेरॉल की बात की जाए दोस्तों, तो जो कैल्सिफेरॉल होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है। थायमिन की बात की जाए दोस्तों, तो जो थायमिन होता है ये विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है। ये विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है। दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल, और विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमिन। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है अंगूर, ऑप्शन नंबर बी है आंवला, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्योंकि दोस्तों, अंगूर और आंवला विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत है। अब दोस्तों, विटामिन सी के और भी अन्य स्रोत है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारे जो खट्टे फल होते हैं, ये खट्टे फल दोस्तों विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। खट्टे फल में कौन कौन है? जैसे कि दोस्तों, कच्चा आम हो गया, मैं लिख देता हूं, जैसे कि कच्चा आम के अलावा दोस्तों नींबू हो गया, नींबू के अलावा दोस्तों संतरा हो गया, संतरा के अलावा दोस्तों मौसमी हो गई, ये हो गई हमारी मौसमी के अलावा बात की जाए दोस्तों तो अमरूद के अलावा दोस्तों इमली के अलावा दोस्तों हरी मिर्च हो गई, और हरी मिर्च के अलावा दोस्तों गोभी हो गई। दोस्तों, ये सब विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत है दोस्तों। दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो कौन सा है दोस्तों? अंगूर और आंवला। अधिकांश अगर मुख्य स्रोत आपसे पूछे तो दोस्तों अधिकांश ये दो ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलेंगे? ऑप्शन नंबर ए अंगूर और ऑप्शन नंबर बी आंवला। लेकिन दोस्तों, विटामिन सी के अन्य स्रोतों की बात की जाए तो जितने भी खट्टे फल है दोस्तों, ये सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। जैसे कि कच्चा आम हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, अमरूद हो गए, इमली हो गई, हरी मिर्च हो गई और गोभी हो गई। ये सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मारोधी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? ऊष्मारोधी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी को, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी को, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई को, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी को कहा जाता है ऊष्मारोधी विटामिन। दोस्तों, ऊष्मारोधी विटामिन सी को क्यों कहा जाता है, उसका भी एक रीजन है। दोस्तों, होता क्या है, विटामिन सी के जो स्रोत है जिनसे विटामिन सी प्राप्त होता है, दोस्तों होता क्या है, अगर इनको आप गर्म करोगे, अगर उनको ऊष्मा दोगे, जिन स्रोतों में विटामिन सी पाया जाता है वो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी के स्रोतों को गर्म करने पर उनमें से विटामिन सी नष्ट हो जाता है।
अगर नष्ट हो गया दोस्तों, तो दोस्तों क्या किस काम का हमारा विटामिन सी? इसलिए दोस्तों विटामिन सी को ऊष्मारोधी विटामिन कहा जाता है। इनको ऊष्मा देने पर दोस्तों ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं हमारे विटामिन सी। यही कारण है दोस्तों कि ऊष्मारोधी विटामिन विटामिन सी को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इन्हें गर्म करने पर यह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन को गर्म करने पर वह खत्म हो जाता है? निम्न में से किस विटामिन को गर्म करने पर वह खत्म हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी को, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी को, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई को, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि हमारा जो विटामिन सी होता है उन्हें गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी को गर्म करने पर क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घाव को भरने वाला विटामिन है? निम्न में से घाव को भरने वाला विटामिन है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन क्यों कहा जाता है? विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना। दोस्तों विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना। इसका मतलब क्या है? रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। अगर आप इसका विपरीत करोगे तो विटामिन सी किस में सहायक होता है? हमारे रोगाणुओं से लड़ने में सहायक होता है। अगर हमारा शरीर रोगाणुओं से, बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ने में सहायक होता है तो आपको कहीं पर भी चोट लगे, अगर आपका शरीर बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ने में सहायक है, बाहर से आने वाले रोगाणुओं को नष्ट करके आपका जो घाव होता है दोस्तों उसको आसानी से भर देता है, उसको जल्दी भरने में सहायक होता है, तो आप कह सकते हो कि विटामिन सी घाव को भरने वाला विटामिन है। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था दोस्तों कि जो विटामिन सी होता है ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को बढ़ाता है। बात क्लियर है? तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। विटामिन सी को और क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, निम्न में से दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। जो हमारा दूध होता है दोस्तों गाय भैंस का, उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी। लेकिन अब बात यह आती है कि सबसे ज्यादा दूध में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों मैंने विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए, विटामिन के ई डी ए सारे के सारे ही विटामिन मैंने करा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाओ और आप वीडियो देख सकते हो। मैंने विटामिन डी में बताया था दोस्तों कि दूध में, जो दूध होता है इस दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? हमारा विटामिन डी है। कौन सा है दोस्तों? विटामिन डी है। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज और बताई थी विटामिन ए में, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, चैनल पर जाओ और वीडियो देखो। मैंने विटामिन ए में आपको बताया था कि जो मां का दूध होता है, जो मां का दूध होता है, जो मां का दूध होता है, इस मां के दूध में दोस्तों होता है क्या है? मां के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता।
माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता और विटामिन डी दूध में सर्वाधिक मात्रा में होता है और इस दूध में दोस्तों कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। तीन क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दूध से संबंधित। एक बार फिर बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। अगर सिर्फ माँ के दूध की बात की जाए दोस्तों तो माँ के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता। अगर नॉर्मल दूध की बात की जाए तो नॉर्मल दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अगर दोस्तों नॉर्मल दूध की बात की जाए तो नॉर्मल दूध में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला विटामिन है वो है विटामिन डी। कौन सा है दोस्तों? विटामिन डी है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट आंसर कौन सा है? विटामिन सी है। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर रोधी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी को, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी को, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई को, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी को। दोस्तों जो हमारा विटामिन सी होता है, इस विटामिन सी को कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में कैंसर को होने से बचाता है ये विटामिन सी। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, कहने का मतलब यह है कि रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ सकती। इसलिए दोस्तों आप कह सकते हो कि विटामिन सी एक प्रकार का कैंसर रोधी विटामिन भी है। अच्छे से आपको बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खून में उपस्थित लोहा के अवशोषण में सहायक विटामिन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना। खून में उपस्थित लोहे के अवशोषण में सहायक विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी क्या करता है, हमारे खून में जो उपस्थित जो लोहा होता है उस लोहा को अवशोषण में सहायक होता है। बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, त्वचा में पाए जाने वाले जो कोलेजन जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन के निर्माण में सहायक विटामिन है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो कोलेजन जो प्रोटीन होती है जो कि हमारी त्वचा में पाई जाती है, कहां पे पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है कोलेजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन दोस्तों? ये कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन के निर्माण में कौन सहायक होता है? तो दोस्तों विटामिन सी सहायक होता है। कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? विटामिन सी सहायक होता है। बात अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों जो मैं बता रहा हूं वो। त्वचा में उपस्थित जो कोलेजन प्रोटीन होती है इसके निर्माण में कौन सहायक होता है? तो विटामिन सी सहायक होता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से रोग होता है। विटामिन सी की कमी से रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले 10 मिनट से कह रहा हूं दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या है दोस्तों? कि हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। दोस्तों ये विटामिन सी की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इसके अलावा दोस्तों स्कर्वी रोग भी विटामिन सी की कमी से होता है। अब स्कर्वी रोग होता क्या है ये मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाने वाला हूं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो होती है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, एक स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है अगले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग के लक्षण है, स्कर्वी रोग के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर बी मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी मसूड़ों में खून आने लगता है, ऑप्शन नंबर डी घाव जल्दी नहीं भरते हैं, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, स्कर्वी रोग के जो लक्षण है वो सारे के सारे ही है। जो स्कर्वी रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है सबसे पहली बात, इसलिए ये राइट आंसर भी सही है।
ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो मसूड़े होते हैं इसमें कमजोर हो जाते हैं, इसलिए यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, मसूड़ों में खून आने लगता है। बिल्कुल सही है, हमारे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं इसलिए मसूड़ों से खून आने लग जाता है दोस्तों। इसे स्कर्वी रोग में कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और दोस्तों हमारे घाव जल्दी नहीं बढ़ते, मैं पिछले 10 मिनट से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं कि अगर विटामिन सी की कमी अगर आपके शरीर में हो गई तो आपके घाव जल्दी नहीं भरेंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस करते हो और कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद जय भारत।